हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम इमैनुअल है, मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आपको लोग को पता ही, मैं अपने चैनल में टूरिस्ट वीज़ा, स्टडी वीज़ा एंड वर्क परमिट के बारे में इंफॉर्मेशन डालता हूं। मोस्टली मैं जो इन्फॉर्मेशन डालता हूं वर्क परमिट के बारे में डालता हूं, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर इस तरह की आपको वीडियो चाहिए। एंड आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक माई वीडियो एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। And if you want this kind of video, then do subscribe my channel. Alright, so मेरे चैनल में बहुत सारी वीडियो है, लाइक कैनेडा के बारे में भी बताया, US के बारे में बताया, माल्टा के बारे में अभी सीरीज चल रही है, काफ़ी वीडियो में माल्टा के बारे में बता चुका हूँ क्योंकि इसमें अभी रिजल्ट मिला, अच्छा काम चला, तो इसी में अभी मैं फोकस कर रहा हूँ। एंड दुबई के बारे में बताया। अभी जो मेरे पास जो वैकेंसी जो ज़्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ जॉब लगाने के लिए, वो माल्टा एंड दुबई है, ठीक है। दो ही कंट्री में अभी जस्ट फोकस कर रहा हूँ। एंड उससे पहले मैं बता दूँ, माल्टा के लिए सिर्फ और सिर्फ जो VFS ओपन हुआ एक्सेप्शनल केस के लिए ओपन हुआ, लाइक स्किल्ड वर्कर या जो हायर स्किल है उनके लिए सिर्फ ओपन हुआ, बाकियों के लिए ओपन नहीं है। जो नॉर्मल के लिए ओपन होगा, अभी बोल रहे हैं रूमर है कि मई जून तक ओपन होगा। अभी जो एक्सेप्शनल केस लिए कुछ केसों के लिए, जो अगर VFS ग्लोबल माल्टा वर्क परमिट के लिए ओपन हुआ, तो होप सो के बहुत जल्दी बाकी को लिए भी ओपन होगा। तो तब तक के लिए हम अभी जॉब के लिए फाइट करें। अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन एक्सपीरियंस हम जॉब के लिए अब फाइट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू योर जो एजुकेशन एक्सपीरियंस हम कंपनी को सर्च करेंगे, ठीक है, उसको उस पे हम अपना CV एंड रिज्यूम सेंड करेंगे। जो भी कंपनी रिप्लाई करेगी उससे फिर फर्दर हम बात करेंगे वर्क परमिट के रिगार्डिंग, राइट। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होगा, सर अभी ओपन नहीं हुआ, नॉर्मल जॉब के लिए ओपन नहीं हुआ, तो हम अभी क्यों अप्लाई करें। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, अभी अप्लाई करोगे आपके पास जॉब ऑफर लेटर, अभी अप्लाई करोगे जॉब ऑफर लेटर हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट लेटर कंपनी का हो जाएगा, माल्टा आइडेंटिटी अभी आपको मिल सकता है, ठीक है। तीनों चीज़ हो गए जब भी ओपन हुआ वर्क परमिट नॉर्मल लोगों के लिए, देन सडनली उसमें अप्लाई करना है, आपको 100% आपको उसका रिजल्ट मिलेगा एंड पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। बट जो अभी हाई स्किल है वो अभी अप्लाई उनका प्रॉपर मिल रहा है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मेरे थंबनेल ने में आपने देख लिया, आज मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में बताऊंगा। कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में थोड़ा सा बता रहा, कंस्ट्रक्शन कंपनी आपको पता ही होगा, जो बिल्डिंग बनाती है, कमर्शियल बिल्डिंग बनाती है या रेजिडेंस एरिया की बिल्डिंग बनाती है या कोई मॉल बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, कोई भी कम्प्लेक्स बनाती है, उसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर की जरूरत होती है। जरूरी नहीं है कि कंस्ट्रक्शन वर्क में ईटा रोड़ी तोड़ने वाला या ढोने वाला आपको जॉब मिलेगी। कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी HR डिपार्टमेंट प्रॉपर होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। मैकेनिकल के डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, मतलब इंजीनियर लेवल के भी वहाँ पर जॉब मिल जाती है, काफ़ी डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। बाकी लेबर एंड हेल्पर कैटेगरी तो है ही है। उसके बाद स्किल जॉब्स भी उसमें काफ़ी होती है, लाइक प्लम्बर का, इलेक्ट्रीशियन का, कारपेंटर का, ठीक है, एंड बाकी वेल्डिंग का, इसमें और भी काफ़ी कैटेगरी होती है। सब में जॉब कंस्ट्रक्शन कंपनी काफ़ी लेवल होते हैं, उसमें जॉब आपको मिल सकती है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, चाहे वो क्लैरिकल जॉब के लिए हो, चाहे लेस आपकी स्टडी हो, चाहे हायर स्टडी हो, आपको जॉब मिल सकती है। बाकी डिपेंड करता है कि आपके एक्सपीरियंस क्या है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर चलो हमें लेबर कैटेगरी में भेज दो या जो हेल्पर कैटेगरी उसी में भेज दो, उसमें तो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट तो नहीं होती। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जिस भी कंपनी ने आपको हायर करना, वो हमेशा देखें कि आप अपनी होम कंट्री में काम क्या कर रहे हो, कितने समय से काम कर रहे हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होगा, एक्सपीरियंस होगा, देन आपकी प्योरिटी फर्स्ट होगी, ठीक है, रैदर देन कि आप विदाउट एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो जिनके पास एक्सपीरियंस है उसको मच अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है, बट जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, ठीक है। तो चलिए हम लैपटॉप की स्क्रीन में मैं आपको समझाऊंगा कैसे कंपनी को सर्च करना है, कौन कौन सी कंपनी होगी, कौन कौन से कितनी कंपनी होगी, ये आपको बता रहा हूँ। उससे पहले थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, अगर आप मेरे से काम कराना चाहते हो तो ये वीडियो को प्रॉपर देखें, एक एक चीज़, हर एक चीज़ मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा, चाहे वो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वारी है, सारी की सारी है जो मैं लिख के बैठा हूँ एंड पूरा जार करके बैठा हूँ कि सभी के, आपको जितना पॉसिबल हो सके आपको सभी के जवाब दूँ। एंड जिसने भी मेरे से काम कराना
प्लीज़ डू कंसीडर कि ये मेरी पूरी वीडियो देखे, इसमें से कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी वीडियो को देखे बिना, आप आधी अधूरी वीडियो देखे बिना मेरे पास आते हैं एंड सेम वही क्वेश्चन पुट करते हैं जो मैं ऑलरेडी आपको इस वीडियो में बता दूंगा, तो मैं उसको फिर ज़्यादा इंटरटेन नहीं करता, क्योंकि उससे आपको मैं पहले भी बता चुका, मेरे 12-13 हज़ार मेरे पास मैसेज है व्हाट्सएप में, वो सारे पेंडिंग में चल रहे हैं। ठीक है, मैं डेली 200-300 लोगों को व्हाट्सएप में मैसेज करता, बट फिर भी जो पिछले है वो अभी तक पेंडिंग में चल रहा है। तो अभी सेम वही क्वेश्चन पूछोगे तो कि उस आप समझ आ रहे हो, समझ सकते हो वो कितना डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, ये नहीं बोल रहा कि आपका काम नहीं हो सकता, बट फर्स्ट ये वीडियो देखें ताकि हर एक मेरे बारे में भी आपको पता चल सके, मैं काम कैसे कराता हूँ ये भी पता चल सके, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ये वीडियो लंबी जो होगी आधे या पौने घंटे की होगी, बट प्लीज़ पूरी वीडियो देखें ताकि आपको भी बेनिफिट हो सके, एंड मेरे लिए जो रिपीटली क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करने में मतलब प्रॉब्लम आए। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने टाइम दिया, मेरे को कॉल व्हाट्सअप फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर करना कि आपने व्हाट्सअप मैसेज करना, मैं आपको जब मेरे को टाइम मिले मैं आपको रिप्लाई करूंगा एंड एक टाइम दूंगा आपको कि इस टाइम में आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, देन यू कैन कॉल मी एंड हम अच्छे से डिस्कशन करके आपकी हर एक इंक्वायरी को पूरी तसल्ली से आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको कभी लगता है कि फ़ोन करना तो मेरे को सुबह 12 से लेकर शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हो। दोबारा रिपीट करता हूँ, सुबह 12 से लेकर शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हो इंडिया के हिसाब से, बिकॉज राइट नाउ आई एम इन इंडिया इन लुधियाना सिटी। ठीक है, मैं लुधियाना में हूँ, लुधियाना पंजाब से बिलोंग करता हूँ, यहीं हूँ अभी फ़िलहाल। तो मेरे को फ़ोन करना सब 12 से 5, व्हाट्सअप मैसेज जब मर्जी कर सकते हो, आपको चाहे मैसेज का रिप्लाई आने में दो या तीन दिन लग सकते हैं, बट आपको रिप्लाई जरूर आएगा। ठीक है, आपकी इंक्वायरी भी प्रॉपर आपको क्लियर की जाएगी। ठीक है, एंड जो मेरे चार्जेस हैं, मैंने पहले प्रीवियस वीडियो बनाई है, मेरे जो भी चार्जेस है 120 में लेता हूँ, 1,20,000 मैं चार्ज करता हूँ। ठीक है, क्लाइंट से माल्टा वर्क परमिट के लिए वो थोड़ी अमाउंट इंक्रीज हुई है, जितनी भी इंक्रीज है वो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करके या कॉल करके मेरे से पूछ सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज करो कि मच बेटर होगा, बट 1,20,000 से थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, इतनी भी नहीं इंक्रीज हुई, रीजनेबल इंक्रीज हुई है, एंड वो एडवांस में इंक्रीज हुई है, जो एडवांस लेते पेमेंट उसमें इंक्रीज हुई है। ठीक है, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम ही है। चलो हम इसमें चलते हैं, लैपटॉप की स्क्रीन में चलते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एंड आपको मैं व्हाट्सएप नंबर, अपन यहाँ पर मेरा लिखा होगा व्हाट्सएप नंबर, +9 91 इंडिया का कोड है, +91 इंडिया का कोड है, उसके बाद 9646313099 9646313099 मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर भी यही है, एंड इसमें +91 इंडिया का कोड लगा के देन ही आप में से बातचीत कर सकते हो। ठीक है, एंड चले हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप, मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी का बताया, तो आपने गूगल में कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए, उससे पहले मैं कुछ बातें बता दूं, अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी में आप लेबर कैटेगरी, हेल्पर कैटेगरी में, स्किल्ड वर्कर में जा रहे हो, तो लेबर या हेल्पर या कैटेगरी में जा रहे हो, तो फिर आपको कोई इसी तरह के कोई लंबे चौड़े डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती, बट अब अगर आप हायर जो स्टैंडर्ड होते हैं उसमें जा रहे हो, लाइक मैनेजर लेवल में जा रहे हो, सुपरवाइजर लेवल में जा रहे हो, इंजीनियर लेवल में जा रहे हो, ठीक है, HR डिपार्टमेंट जा रहे हो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट जा रहे हो, किसी भी डिपार्टमेंट में जा रहे हो, अच्छे लेवल में जा रहे हो, तो डू कंसीडर कि आपके पास लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर होनी चाहिए। ये लिंक्डइन प्रोफाइल के बारे में मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ, आपके पास जो वर्किंग का जो सोशल मीडिया लिंक्डइन है उसमें आपकी प्रोफाइल जरूर बनी होनी चाहिए। लिंक्डइन प्रोफाइल में क्या होता है, आपका नाम होता है, आपका एड्रेस होता है, आपकी प्रॉपर एजुकेशन होती, आपने कहाँ कहाँ काम किया, किस डेट से कब तक किया, ये सारी चीज़ मेंशन होती, जो आपके प्रीवियस कंपनी में जो आपके साथ एम्प्लॉई थे, जो भी कोवर्कर थे आपके साथ, वो अभी आपके साथ अटैच होते हैं, जिसके आपका रेफरेंस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, जब आपका रेफरेंस स्ट्रॉन्ग होगा देन आपको दूसरी कंपनी हायर करने में इंटरेस्टेड ज़्यादा दिखती है। ठीक है, आप अपनी प्रोफाइल प्रॉपर बनाएं, अपने एजुकेशन एक्सपीरियंस के हिसाब से कंपनी को सर्च करें, उनको फॉलो करें, वो भी आपको फॉलो करें, तो आपके
मतलब आपका एक सर्कल बड़ा हो जाता है, आपके सेम प्रोफेशन में ऑल ओवर वर्ल्ड वो सोशल मीडिया चल रही है लिंक्डइन, ठीक है। तो इसका लिंक्डइन का यहाँ पर मैं वो भी दे दूँगा जो लोगो होता है वो भी देखें, ताकि जिनको नहीं लिंक्डइन का पता वो आपको समझ आ सके, ठीक है। तो हमेशा बना के रखें, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आपने गूगल में सर्च करना है, आपने कभी ऐसा नहीं करना कि कंस्ट्रक्शन जॉब इन माल्टा, जो माल्टा कंस्ट्रक्शन जॉब, ऐसा कुछ नहीं सर्च करना। आपने जो मैं कीवर्ड किए यही आपने सर्च करने है, कंस्ट्रक्शन कंपनी इन माल्टा। फिर जो भी रिजल्ट आएगा इसमें नीचे जैसे ये है ये आ जाएगा कि मतलब जितनी भी माल्टा की कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसकी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आपने व्यू ऑल में करना, ठीक है। व्यू ऑल में करोगे आपको लोड्स ऑफ कंपनी देखने को मिलेगी, जैसे कि एक पेज में कम से कम 20 कंपनी होती है, यू कैन काउंट, ठीक है। जैसे हम काउंट कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, वही मतलब 20 के करीब एक पेज में 20 के करीब कंपनी आती है, ठीक है। एंड नीचे नीचे करोगे यहाँ पर कितने पेज है, कम से कम 7 पेज है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात पेज है। जो एक पेज में 20 कंपनी है तो 7 पेज में कम से कम 140 कंपनी होगी, ठीक है। 140 कंपनी कम नहीं होती, 140 कंपनी में मान लो आप डेली 2, 2, 3, 3, 4 कंपनी को अपना CV सेंड करते हो, एक मंथ प्रॉपर 2 से 3 घंटे लगाते हो एंड उसमें सेंड करते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक मंथ लगेगा। एंड 140 अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन में अप्लाई करना चाहते हो तो 140 कंपनी में आपका CV कवर नोट चल जाएगा, 140 कंपनी में चल जाएगा। तो अगर आप एलिजिबल हो, अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, आप दूसरे बंदे से, दूसरे कैंडिडेट से ज़्यादा मतलब ज़्यादा वैल्यू रखते हो, तो डेफिनेटली आपको कंपनी कंसीडर करेगी, कंपनी आपको जॉब प्रोवाइड करेगी। 140 कंपनी कम नहीं होती, बहुत सारी होती है, ठीक है। तो मान लो एक कंपनी में मान लो ज़्यादा नहीं तो 10 भी कैंडिडेट रिक्वायर है, 10 सिर्फ और सिर्फ 10 रिक्वायर है, तो 140 कंपनी में कितने रिक्वायर होंगे, मतलब 100 के हिसाब से 10 कंपनी है तो 1000, मतलब वही 1400 के करीब बंदों की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो जैसे फिर दोबारा रिपीट करता है, अगर 140 ये कंपनी में, ठीक है, इनमें सिर्फ हर पूरे डिपार्टमेंट नीचे से लेकर ऊपर लेवल तक सिर्फ 10 बंदे भी हायर ये कंपनी करते हैं एक कंपनी, तो 140 कंपनी में 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1400 वो जॉब्स बन जाती है। अगर 1400 जॉब्स हो माल्टा में सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन कंपनी में, उसमें से आप 14 में से सिर्फ फाइट करना, मतलब 14 में से वन ऑफ द यू भी हो सकते हैं, वन ऑफ द मतलब आप भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। वन ऑफ द पंसर आप भी होगे, कैंडिडेट आप भी हो सकते हो, तो 1400 जॉब्स कम नहीं होती। ये मैं सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो 10 बंदों की अगर उनको रिक्वायरमेंट हो, देन अगर उनको 11 की रिक्वायरमेंट हो तो उस हिसाब से बढ़ भी सकते हैं, अगर उनको कम की रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से हो सकते हैं, बट 1400 कम नहीं होते। 1400 जॉब में से कोई ना कोई तो आपको जॉब मिल ही जाएगी। इतनी मतलब इतने भी आप कम पढ़े लिखे तो नहीं होंगे, इतने भी आपका एक्सपीरियंस तो नहीं होगा ना कम, ठीक है। अपने आप कुछ तो कुछ प्रूव करोगे। एंड हमेशा ध्यान रखें, कोई भी कंपनी बिना इंटरव्यू के आपको नहीं रखेगी। जिस भी कंपनी ने आपके जॉब पे रखना, थोड़ा सा वो आपसे साथ डिस्कशन जरूर करेगी, चाहे उसको इंटरव्यू राउंड समझ लो, चाहे उसको डिस्कशन राउंड समझ लो, बट आपसे एक बार डिस्कशन जरूर होगी। ज़्यादातर मोस्टली कंपनी वीडियो में करते हैं इंटरव्यू लेते हैं, जहाँ तो वो स्काइप से लेंगे या गूगल मीट से इंटरव्यू लेंगे। वो पहले आपको मेल कर, अगर उनको लगेगा कि आप उनके मुताबिक है, देन आपको मेल कर देगी, आपको टाइम देगी कि इस टाइम में हम आपको कॉल करेंगे या आपने इस टाइम पे कॉल कर लेना, ठीक है। आपको ज़्यादातर कंपनियाँ गूगल मीट एंड स्काइप को यूज़ करते, वीडियो कॉल के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो यही है, तो फर्स्ट हम कंपनी करते हैं अटर ग्रुप ब्रो। तो आपको इसको जरूर देखना, जो यहाँ पर गूगल, इसको पहले क्लिक कर लेते हैं, अटर ग्रुप, ठीक है, अटर ब्रो ग्रुप।
इसको प्रॉपर देखिए, इसकी 57 गूगल रिव्यू है। गूगल रिव्यू का मतलब कोई भी कंपनी जो जेन्युइन है, जो कंपनी सर्विस आपने प्रोवाइड कर रही है मार्केट में, उसके गूगल रिव्यू जरूर होगी। जिस भी कस्टमर ने उनकी सर्विस ली है, उनको अच्छी सर्विस लगी, बैड लगी, डजन मैटर, कोई भी सर्विस है, बट उन्होंने रिव्यू दी है, 57 लोगों ने रिव्यू दी है, ठीक है। अगर 57 ने रिव्यू दी, मतलब आप कोई भी कंपनी के पास आपने काम कराते हो, तो जब 100 बंदा आता है, 10 उसमें से रिव्यू देते, मतलब 10% ही रिव्यू का ऑप्शन होता है। मान लो 57, मतलब 570 लोगों ने इनसे सर्विस, मैं अपने आइडिया के हिसाब से बोल रहा हूँ, ये कंपनी का कोई एनालिटिक नहीं है, कोई डाटा नहीं है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। अगर 570 लोगों ने उसमें से सर्विस लिया होगा, उसमें 10% 57 लोगों ने गूगल रिव्यू दिया होगा, क्या गूगल रिव्यू जिसका ज़्यादा होगा उस कंपनी में आपने अप्लाई करना। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा गूगल रिव्यू होंगे, वो उतनी अच्छी कंपनी होगी, कंपनी के बारे जो जेन्युइन होती है कंपनी, उसके बारे में आपको विश्वास हो जाएगा, एंड प्रॉपर वो मार्केट में वर्किंग करी, ये आपको समझ आएगा। तो गूगल रिव्यू हमेशा ध्यान रखें, जिसके गूगल रिव्यू है उसको हमेशा अप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद एड्रेस आपको कंपनी का मिल जाएगा, ओपनिंग टाइम वही जो वर्किंग अभी तो क्लोज्ड होगा, ठीक है। फ़ोन नंबर आपको प्रॉपर मिलेगा। बहुत सारे लोग एजेंट के पास अप्लाई करते हैं, बट उनका ना तो कंपनी के वो प्रॉपर नाम बताते हैं, ना ही फ़ोन नंबर देते हैं, ना ही एड्रेस देते हैं। बट मैं सिर्फ और सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ जो आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि अकेला 30 मार्कर मैं ही हूँ, और भी मार्केट में बहुत सारे लोग होंगे जो हर एक चीज़ आपको जेन्युइन तरीके से बता सकते हैं, बट वीडियो में अभी तक मैंने नहीं देखा, इसलिए मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, ठीक है। बट मेरे से भी अच्छे अच्छे लोग हैं, मेरे से भी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, मेरे से भी अच्छे धुलंदर लोग हैं, ठीक है, जिनका बिजनेस कई सालों से चल रहा है, ठीक है ना, एंड ईमानदारी से कर रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो मेरे से भी अच्छे अच्छे लोग हैं, बट काफ़ी लोग ने नहीं बताया यूट्यूब में, मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपने आप को बोलता हूँ, ठीक है। आप भी कमेंट करके बताना कि आपको इस तरह की सर्विस और कहीं से मिल रही है कि नहीं, या जिस तरह मैंने आपको कराया, ठीक है। ये आपने देख लेना, मेरे जो ये कसर है मेरा, ये हमेशा इसको कंसीडर करें, ठीक है। आपको फ़ोन नंबर मिल गया, एड्रेस मिल गया, उसके बाद डायरेक्शन भी, अगर आप डायरेक्शन देखोगे कंपनी का प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगा, गूगल जो डायरेक्शन होता है वो मिल जाएगा। अभी तो डायरेक्शन दिखाने का कोई नहीं बनता, क्योंकि अभी आपको दिखाने का मतलब नहीं बनता, बट आप डायरेक्शन भी देख रहे हैं, डायरेक्शन उसकी होगी जो जेन्युइन कंपनी होगी, ठीक है। उसके हम वेबसाइट में जाएंगे कि वेबसाइट की में इसको हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। ये कंपनी की वेबसाइट है, ऊपर जो इंफॉर्मेशन वाले बार होते हैं इसको ज़रूर आप देखें। होम है, मतलब होम में इनके बारे में पता होगा, अबाउट अस में इनकी हिस्ट्री बताई होगी, चेयरमैन का मैसेज होगा, एक्सपर्टीज में ये कॉन्ट्रैक्टिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, डेवलपमेंट में, ज्वाइनरी या रिटेल या बिल्डिंग मटेरियल में डील करते हैं, ये अपनी इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्वालिटी में देख लें, हेल्थ सेफ्टी, वर्क विद बस, मतलब कंपनी ने प्रॉपर यहाँ पर बताया कि अगर आप इंटरेस्टेड हो एंड आप एलिजिबल हो उनकी कंपनी में काम कर सकते हो, देन इसमें आप अप्लाई भी कर सकते हो। इसमें एक्टिविटी, वर्क पे, कम्युनिटी, वैकेंसी इन्होंने दिया, ये हम आपको देखेंगे। पहले थोड़ी चीज़ें और भी बता रहा हूँ, उसके बाद न्यूज़ कोई भी होगी इनकी, कॉन्टैक्ट है, जैसे मैंने पहले बताया कि कई एजेंट कंपनियाँ कॉन्टैक्ट नहीं देते, बट यहाँ से आप कंपनी का प्रॉपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अच्छे से बात कर सकते हो, ठीक है। उसको एक इसको देख रहे, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट, ये मैं सारी चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। ये देखे क्या कंपनी क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है मार्केट में, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉई विद द ग्रुप, मतलब 300 प्लस एम्प्लॉई है इनके पास, 12,000 प्लस प्रोडक्ट टेस्टिंग पर ईयर ये प्रोडक्ट टेस्टिंग करते, 40 प्लस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, 40 साल से ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस है, 14 सोशल एंड टीम बिल्डिंग एक्टिविटी पर ईयर, मतलब 14 सोशल एंड टीम बिल्डिंग एक्टिविटी पर ईयर करते हैं, 12,000 प्लस एवरेज कंक्रीट ब्लॉक मैन्युफैक्चर पर डे, मतलब 12,000 जो कंक्रीट ब्लॉक्सों से वो जो बिल्डिंग के जैसे हम ईंटें बनाते हैं यहाँ पर इंडिया में, वो कंक्रीट जो ब्लॉक होते हैं वो बनाते हैं, ठीक है। ये इंडिया में भी स्टार्ट हो गया कॉन्सेप्ट, वो मतलब 22,000 प्लस बनाते हैं पर डे, ठीक है। मतलब बहुत अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। तो लेटेस्ट प्रोजेक्ट, मतलब इनकी ये प्रोजेक्ट
इन्होंने बनाए होंगे, ठीक है, एएक्स ऑफिस, पिंटू बिजनेस सेंटर, ठीक है, ये स्पा एंड जिम एंड और भी प्रोजेक्ट है इसमें, व्यू ऑल मेकर के ये भी था, क्योंकि मैंने तो जस्ट आपको दिखाने के लिए अभी शुरू करा। ये इनकी टीम है, ठीक है, टीम इनके बारे में जैसे मैंने बोला कि इनके सारी चीज़ इनकी आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए, लाइक के लिंक्डइन में भी इसका प्रोफाइल इनकी इन बंदों की इनकी टीम मेंबर की जो चेक कर लेना, ठीक है, तो ये सारी चीज़ चेक कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब में वीडियो है, इसको देख लेना है, इसको क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। मेरी वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, बिकॉज हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ, कोई चीज़ हिडन नहीं रखा हूँ, कोई चीज़ आपको कन्फ्यूजन है ये नहीं रख रहा हूँ, तो इसलिए वीडियो को प्रॉपर देखें। उसके बाद वर्क विद अस में हम, जैसे मैं पहले बताया, इसमें देखेंगे एक्टिविटी वर्क, हम वैकेंसी में करेंगे कि वैकेंसी अब कौन कौन सी अभी अवेलेबल है, ठीक है। अभी जो करंट वैकेंसी है ये है सेल्स पर्सन, इसमें सेल्स पर्सन की जरूरत है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की जरूरत है, असिस्टेंट मैकेनिक की जरूरत है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है, बिल्डिंग मटीरियल टेक्निकल स्पेशलिस्ट की जरूरत है, मैकेनिकल सुपर सर्विस में जरूरत है, इलेक्ट्रॉनिक एक्स्ट्रा लो वोल्टेज टेक्नीशियन की जरूरत है, कंस्ट्रक्शन मटीरियल सीनियर फोरमैन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर हेड ऑफ प्रोजेक्ट क्वालिटी सर्वियर की कॉन्ट्रैक्टिंग में जरूरत है। मतलब काफ़ी जॉब अभी अवेलेबल है। हम सिंपल किस जॉब में करें, इलेक्ट्रॉनिक में करते हैं, क्योंकि तो काफ़ी लोगों का मेरे पर एज ए इलेक्ट्रिशियन या जो एज ए इलेक्ट्रिशियन या जो मेंटेनेंस में होते इलेक्ट्रिशियन उनकी डिमांड बढ़ता थी, तो इस उसके बारे में बताऊंगा जो ये है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एक्स्ट्रा लो ये सारा पढ़ लेना, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी जो होगी, क्या क्या की ड्यूटी होगी वो पढ़ लेना, सर्विस पे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पावर टूल रिसर्च एंड वेल न्यू प्रोडक्ट टेस्ट प्रोटोटाइप एनालिस रिजल्ट, ये सारा अपने हिसाब से पढ़ लेना कि क्या क्या बंदे को जरूरत है। अगर नहीं आपको समझ आई तो मेरे से भी आप पूछ सकते हैं, मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। वर्क ऑन फुल टाइम के लिए इनको चाहिए, ओवर टाइम वर्क में आल्सो भी रिक्वायर, मतलब कंस्ट्रक्शन में आपको पता ओवर टाइम की बहुत जरूरत होती है, काफ़ी कंपनियाँ ओवर टाइम कंस्ट्रक्शन कंपनी में देती है, ठीक है। फुल टाइम तो चाहिए, इसके साथ ओवर टाइम भी आपको देगी। अगर आपको ये इनको ओवर टाइम दोगे तो डैट मीन्स कि आपके जो वर्किंग आवर भी बढ़ेंगे एंड आपकी जो इनकम है वो भी बढ़ेगी। जी फॉर एग्जांपल आपको 1000 यूरो आपको इन्होंने ऑफर किया कि 1000 यूरो आपको आपकी ड्यूटी के हिसाब से आपको मंथली देंगे, बट अगर आपका ओवर टाइम करते हो या ऑफ वाले डे काम करते हो, ठीक है, छुट्टी वाले डे काम करते हो, वो फिर प्लस हो जाती, वो जो जॉब ऑफर लेटर आता है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर आता है, उसमें सारी चीज़ मेंशन होती है, ठीक है। उसके बाद ये सारी जो भी एजुकेशन क्या चाहिए, लाइसेंस क्या चाहिए, उसके बाद ईमेल, मोबाइल एड्रेस, कवर नोट, जो मैं कवर नोट सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कवर नोट क्या होता, कवर लेटर, ठीक है ना, फिर कवर लेटर सेम मैं बनाता हूँ, काफ़ी लोगों को नहीं पता, जिनको पता होता वो तो बना के पहले देते, जिनको नहीं पता था उनके लिए मैं लिखता हूँ, ठीक है, कवर नोट बनाता हूँ, ठीक है। आपने CV अपलोड करना, ठीक है, तो उसके बाद आई अग्री एंड सबमिट, इतना सिंपल सा काम है, ठीक है। आपने सबमिट किया, अगर एलिजिबल होंगे देन डेफिनेटली दे कॉन्टैक्ट यू, दे हायर यू, एंड एक आप अच्छी स्टडी कर अच्छी काम कर सकते हो। एंड अगर आप माल्टा में पहुंच गए तो यूरोपियन शैनगन कंट्री की जो 26 और कंट्री है उसमें भी आपको मूव होने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने, कंपनी कोई भी हायर करती है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट देती है, चाहे साल का दे, चाहे 2 साल का दे, चाहे 5 साल का, जितने साल का कॉन्ट्रैक्ट देगी वो आपको फिनिश करना पड़ेगा। फिनिश करने के बाद किसी और कंट्री में आप लीगली मूव हो सकते हो, ठीक है। जो भी लोग अमेरिका में, US में, ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हैं, UK में जाना चाहते हो, एकदम आपको बड़ी कंपनी, बड़ी कंट्री में जॉब मिलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं अपने घर में या अपने सिटी में काम करते हैं, एकदम यूरोप बड़ी कंट्री में जंप लगाते हैं, उसके उसमें CV सबमिट करते हैं, उसमें जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, बट एंड ऑफ द डे उनको वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो स्टेप बाय स्टेप लेने चाहिए, पहले आप अपने कंट्री में 1-2 साल का, अपने होम कंट्री में 1-2 साल का जॉब करें, ठीक है। जॉब करने के बाद किसी दुबई वगैरह में जाएँ, ठीक है, उधर का आप UAE का एक्सपीरियंस लें, UAE का नहीं लेना चाहते आप किसी शैनगन कंट्री का ले, शैनगन कंट्री का
लेके या यूए के लेके फिर उसके बाद बड़ी कंट्री में आप शिफ्ट कर सकते हो। ये सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। एंड कवर नोट मैं सबका बनाता ही हूँ, अगर मेरे से सर्विस लोगे तो और भी हम कंपनियाँ उसका भी देख लेते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रिशियन का वो करा, अब हम कंस्ट्रक्शन मटीरियल सीनियर फोरमैन कंस्ट्रक्शन, इसमें देख लेते हैं। सुपरविजन सुपरवाइज जो होते हैं सुपरवाइज, ये सारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या उसके लिए काम है, ठीक है, उसका क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या क्या उसको देखना चाहिए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या खुद पढ़ सकते हैं, जिन्होंने अप्लाई करना वो खुद पढ़ सकते हैं। उसके बाद सेम चीज़ है, नेम लास्ट में, ईमेल, मोबाइल एड्रेस, कवर नोट अपलोड, सीवी, ठीक है। उसके बाद आपने सबमिट कर लेना, सबमिट करोगे तो अगर आप एलिजिबल होगे देन डेफिनेटली दे कॉन्टैक्ट यू, ओके। सो इट्स नॉट ए बिग डील, ऐसा भी नहीं कि मैं कोई रॉकेट साइंस बता रहा हूँ कि आपको समझ ना आ सके, या एजेंट लोग बहुत धुलंदर होते हैं जो बहुत 30 मार्क खा होते हैं, या इमैनुअल जेम्स ऐसा कोई 30 मार्क खा गया, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि मैं ही अप्लाई करूँगा तो आपको रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है। आप खुद अप्लाई करोगे, घर बैठे एक दो घंटे लगाए, एक घंटा भी अपने डेली लगा ले, 30 दिन के लिए लगा ले, तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली आऊगा। दुनिया की कोई ताकत आपको रिजल्ट आने में, सक्सेस होने में रोक नहीं सकती, बट उसके लिए क्या जरूरत है, आपके पास पूरी डेडिकेशन होनी चाहिए, आप रिस्पॉन्सिबल होकर उस अप्लाई करें एंड पूरी मेहनत से अप्लाई करें। अगर आप मेहनत से करोगे डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, अगर नहीं करोगे तो फिर वो तो सबके साथ ही है, ठीक है। तो यही चीज़ है। हाँ, किसी को आप करते हो, हायर करते हो, लाइक अगर मेरे को भी हायर करते हो तो फिर डेफिनेटली वो आपसे चार्ज जरूर करेगा, ठीक है। तो चार्ज फिर तो आपको पता, चार्ज तो बनता है। कोई भी बंदा अपना टाइम निकाल के, अपना इंटरनेट लगाएगा, अपना इलेक्ट्रिसिटी लगाएगा, अपनी मेहनत लगाएगा, अपनी टीम मेंबर लगाएगा, तो सभी चीज़ का खर्चा आता है, ठीक है, उसका सभी का कॉस्ट होता है। जो कॉस्ट होता है तो फिर डेफिनेटली आपसे, अगर आपने सर्विस लेने तो उसका चार्ज भी बनता ही है, ठीक है। तो काफ़ी लोग का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर आप माल्टा की जो जॉब एजेंसी हो उसके साथ अटैच हो, तो मैं, मेरा सिंपल सा आंसर है कि मैं किसी के साथ अटैच नहीं हूँ। जो माल्टा की जो एजेंसी है उसके साथ मैं किसी के साथ अटैच नहीं हूँ, मैं इंडिविजुअल पर्सन हूँ। बट हाँ, इंडिया में काफ़ी एजेंट्स होते हैं, काफ़ी कंपनी, उनके साथ एसोसिएशन होना पड़ता, उनके साथ एसोसिएट एग्रीमेंट के साथ जरूर होता, क्योंकि जो मेरे पास, मेरे को काम आता वो मैं खुद करता, जिन जो मेरे को चीज़ नहीं आती मैं उनको पास कर देता हूँ, ठीक है, उनको दे देता हूँ, जो वो भी उनके पास जो काम उनके लायक होता वो करते, जो मेरे लायक होता वो मेरे को देते। ये तो सबके साथ बना के चलना ही पड़ता है, ठीक है। बट मैं किसी भी माल्टा की जो एजेंसी के ना के साथ अटैच नहीं हूँ, मैं इंडिविजुअल पर्सन हूँ। इंडिविजुअल जैसे आप मेरे पास रहते, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। आपकी पहले एजुकेशन देखता हूँ, एक्सपीरियंस देखता हूँ, मेरे को उसको एनालाइज करता हूँ कि मैं ये चीज़ काम कर सकता हूँ नहीं, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर आप एलिजिबल होंगे मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से, अगर मैं आपको हाँ बोलता देन ही आपका फाइल लेता हूँ, एंड उस दिन से मैं 30 दिन तक रेगुलर आपका कंपनी को सर्च करके आपका सीवी एंड कवर नोट सेंड करता हूँ, एंड जो भी रिजल्ट आफ्टर मंथ, जो भी रिजल्ट है, जो भी कंपनी हमें रिप्लाई करती है उसके हिसाब से फर्दर काम करते हैं वर्क परमिट के एंड तक, ठीक है। तो जो मेरा काम है, मैं जो चार्जेस लेता हूँ फर्स्ट, आपसे जो एडवांस लेता हूँ आपको बता ही दिया, उससे बाद मैं आपसे सीवी, एक्सपीरियंस लेटर, पासपोर्ट फ्रंट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो विद वाइट बैकग्राउंड, ये मैं आपसे लेता हूँ। एंड जो आपसे एडवांस चार्जेस लेता हूँ वो मेरे व्हाट्सएप में पूछ लेना, वो मैं आपसे लेता हूँ। फिर मैं आपका काम स्टार्ट करता हूँ, सीवी में कोई चेंजिंग करना वो करता, कवर नेट जो ऑलमोस्ट सबका नहीं होता तो बनाना पड़ता है वो मैं बनाता हूँ, एंड 30 दिन डेली सर्च करता हूँ कंपनी को एंड डेली उसमें अप्लाई करता हूँ। जो भी रिजल्ट आता है उसमें हम आगे फर्दर उनसे बात करते हैं। बट काफ़ी लोग को ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि वो समझते हैं कि शायद मैं जो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इंटरनेशनल सीवी देने के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ या कवर नोट देने के लिए कर रहा हूँ। तो मैं दोबारा क्लियर कर देता, पहले प्रीवियस वीडियो में काफ़ी बार क्लियर किया, मैं कोई सर्विस नहीं आपको प्रोवाइड कर रहा, सिर्फ सीवी या कवर नोट का। जो भी मेरे पास आएगा कि सर सीवी बना रहे हो इंटरनेशनल लेवल का या कवर नोट बना रहे हो, तो उसके लिए मैं सर्विस नहीं प्रोवाइड करता, मैं ओवरऑल सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, कि पूरा वर्क परमिट तक का मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। दो चीज़ों के लिए प्रोवाइड नहीं करता, ये मेरा फोकस
फोकस पॉइंट नहीं है कि सीवी या कवर नोट के लिए, ठीक है। ये तो मेरे को मतलब जो मैं पास्ट में सीखा है, इतने लोगों का एप्लीकेशन कर करके किसी में रिजल्ट मिला किसी में नहीं मिला, ये सीख के जो मैंने सीखा वही मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। इसका मतलब नहीं, ये नहीं कि आपने मेरे को चार्ज पे किया तो मैं आपको सीवी एंड कवर नोट दूँ, उसके लिए मेरी सर्विस नहीं है। अगर सीवी कवर नोट सिर्फ चाहिए तो फिर तो आप लोकल, आप किसी भी एरिया अपने एरिया में जाओ, कंप्यूटर कैफे के वालों के पास जाओ, उनको बोलो कि सर हमें सीवी बना दो, कवर नोट बना दो इंटरनेशनल लेवल का, वो 200-300-400 रुपये में आपको बना देंगे। वो किसी भी सिटी में जाओ, अपने एरिया में किसी में जाओ, वो बना के दे देंगे। बट मेरा फोकस उसमें नहीं है, मेरा फोकस जॉब दिलाने तक है, वर्क परमिट दिलाने तक है। तो लोग बहुत से लोग कहते हैं सर जो आप 20-20,000 की 6 EMI लेते हैं कि अगर कल को काम ना हुआ तो पहले बता दो, फर्स्ट जो मेरे को EMI 20,000 की आप देते हो, मेरे को तब देते हो जब कंपनी, जिस कंपनी आपको जॉब ऑफर लेटर दिया उसको साइन करके आपने दिया, फिर कवर नोट आया उसको भी साइन करके दिया, देन कंपनी माल्टा आइडेंटिटी के लिए अप्लाई करते हैं। जब माल्टा आइडेंटिटी के लिए अप्लाई करते हैं देन वो आपको ट्रैकिंग नंबर भी देते हैं, जो रसीद, जब रसीद मिलते हैं, रिसिप्ट मिलते हैं, ऑनलाइन रिसिप्ट मिलती है, वो हमें भी देती है, उसमें ट्रैकिंग नंबर सारी चीज़ लिखी होती है, वो मेरे को मिलेगा, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, देन आपने 20,000 की मेरे को किस्त देनी। ऐसे नहीं कि मैंने आपको बोला अप्लाई कर दिया थे आपने मेरे को दे दिया, ऐसे नहीं है। प्रॉपर आपको रसीद मिलेगी, जो माल्टा आइडेंटिटी की जो अप्लाई हुआ उसकी रसीद मिलेगी, ट्रैकिंग नंबर मिलेगा, देन आपने 20,000 की किस्त देनी। माल्टा आइडेंटिटी आपका आ गया, उसके बाद जब वीज़ा लगेगा, जब अप्लाई होगा उसकी जो रसीद हमें मिल जाएगी, फिर आपने 20,000 की टिकट देनी, ठीक है। जब हमने 20,000 की पेमेंट देनी, जब हमने ए टिकट के अप्लाई कर दिया, ए टिकट का उसकी बुकिंग कर ली, ठीक है, उसकी जो रसीद आपको मिल जाएगी, रिसिप्ट मिल जाएगी, उस पे आपने मेरे को जो भी रेट होगा मतलब 40-45,000 बनता वो देना। मेडिकल इंश्योरेंस का जब आपने कराना वो तो आपने उधर ही जमा कराना, इंश्योरेंस का हम करेंगे उस पे हमें चार्ज पे करना पड़ेगा, मेडिकल का आपके एरिया में जो भी रिकॉग्नाइज होंगे लैब उसमें आप खुद ही पे करोगे, एंड उसके बाद जो आफ्टर डेट जो भी पेमेंट लेफ्ट रह जाती वो मेरे को मत देना। बट टोटल 1,20,000 है, ठीक है, एडवांस को छोड़ के, जो एडवांस पेमेंट है उसको छोड़ के 1,20,000 है, ठीक है। काफ़ी लोग का ये होता है कि सर लोग 4-4, 5-5, 10-10, 12-12 लाख ले रहे हैं, आप इन्हें कम में क्यों करते हो? तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं कोई सप्लाई कंपनी नहीं हूँ कि जो सप्लाई कंपनी की तरह मैं काम करूं, कि गफ़े में गफ़े लोग आए, मतलब 100-100 ट्रक बन के भर के मेरे पास लोग आ जाए और सबको सेंड कर दूं, ये नहीं है। मेरा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पर्सन में काम होता है, मतलब एक एक कस्टमर को मैं पकड़ता हूं, उनके लिए काम करता हूं, उनका रिजल्ट लेकर देता हूं, उनसे चार्ज करता हूं, इसलिए मैं कम लेता हूं कि जो एक कस्टमर में अप्लाई करता हूं, मैं एक में से भी 10 या 100 कस्टमर लेके दे सकता, जिसको मैं सर्विस प्रोवाइड करी वो मेरे को ऑटोमेटिकली सर्विस दूसरे कस्टमर भी मेरे को लेके देते, तो फिर वो मेरा रोटेशन में मेरा वो काम चलता रहता है, तो मेरे को मतलब जारी पेमेंट चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अगर मैं किसी के साथ अटैच, एक मेरे साथ और एजेंट है, एक बार ए और एजेंट है, एक बार ए, जितने लेयर भी बीच में आ जाएंगे एजेंटों की, फिर आपका प्राइस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इंडिविजुअल करता हूँ, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, इसलिए मेरा ज़्यादा चार्ज नहीं होता। तो अगर आप कोई भी एजेंट आपको 1.5 या 2 लाख में सेंड कर रहा है माटा में, वो भी इनफ है, वो भी प्रॉपर मेरा प्रॉपर कमीशन निकाल के है वो पेमेंट, अगर आपको लगता है ये गलत है, ठीक है। बट आपको लगता है ये मैं कम चार्ज कर रहा हूँ, बट मेरा भी काफ़ी अच्छा खासा उसमें से बन जाता है, ठीक है, उसके बाद ही आगे हम काम करते हैं। तो ये चीज़ है, जो 8-10 लाख करते वो क्यों इतना करते, ये इसके बारे में अभी नहीं बता सकता, ठीक है। एंड ये मैंने आपको बता दिया कंस्ट्रक्शन कंपनी वाला, और भी कंपनी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि एक ही कंपनी को मैं कोई स्पॉन्सर किया हुआ जाए, इसको प्रमोट करूं, ऐसे नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो सालो बिल्डर ग्रुप ऑफ कंपनी, इसका भी 44 गूगल रिव्यू है, वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट में हमने क्लिक किया, ये प्रॉपर वेबसाइट है, होम दी ग्रुप के बारे में बताया, माल्टा सेक्टर कौन कौन से सेक्टर में काम कर, मल्टीमीडिया एचआर के जो एचआर डिपार्टमेंट, उसमें करियर का ऑप्शन में जाओगे तो वो जॉब के लिए होगा, बट हम पहले पूरी साइट चेक कर लें। तो ये सारी चेक है, इसको साइट को चेक करना है, इसमें एड्रेस कंपनी का आ जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा, मेल आईडी आ जाएगी, ठीक है।
इसके बाद ऊपर एचआर वाले सेक्शन में जाओगे, एचआर के सेक्शन में जाकर करियर का ऑप्शन आ गया, करियर के ऑप्शन में आपने क्लिक करना है। हमेशा आपने कॉन्टैक्टर्स या करियर का ऑप्शन या वैकेंसी का ऑप्शन इसी में जाके आपने कॉन्टैक्ट करना, देन आपको मिलेगा। करियर का करोगे तो इसमें काफ़ी है, ओपन पोजीशन, ओपन पोजीशन में काफ़ी सारी पोजीशन है, मैशन का भी है, टावर क्रेन ऑपरेटर का भी है, हैवी प्लांट ऑपरेटर का भी, जो केयर माल्टा में ह्यूमन एचआर डिपार्टमेंट भी है, कॉमनी शेफ का भी है, सिक्योरिटी पोर्टर्स का भी, मेंटेनर ऑपरेटर, ये सारी ये चीज़ ठीक है, केयर असिस्टेंट, रिसेप्शन, काफ़ी जॉब है ठीक है, पैकर का भी है, शेफ का भी है, तो ये कम नहीं है ठीक है, इसमें आप देख लेना। तो हम पहले देखेंगे वैशाली, क्लीनर का हम देख ले वैशाली ग्रुप का क्लीनर का, क्योंकि क्लीनर का काफ़ी लोग पूछते हैं, बाकी सिक्योरिटी गार्ड का भी पूछते हैं, वो भी मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। फुल टाइम चाहिए इनको ठीक है, क्लीनर का फुल टाइम चाहिए, क्लीन दी डेजिग्नेटेड फैसिलिटी एरिया, मतलब जो भी डस्टिंग स्वीपिंग वैक्यूम वॉपिंग जो भी क्लीनिंग में जो बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो करते हैं उनको पता है कि डस्टिंग भी आता, स्वीपिंग भी आता, वैक्यूम भी आता, मोपिंग भी आता ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी, स्किल सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है ठीक है। इंग्लिश भी आनी चाहिए, यूज वर्बली कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश शुड ठीक है, इंग्लिश प्रॉपर आनी चाहिए, प्रॉपर मतलब 30-40% 50% तो आई नहीं चाहिए, क्योंकि इंग्लिश कंट्री है तो आपको नहीं आएगी तो कैसे करोगे, एटलीस्ट आप बोल नहीं सकते तो अंडरस्टैंड करना चाहिए, आना चाहिए, अंडरस्टैंड करोगे तो काम करोगे, अगर अंडरस्टैंड नहीं कर पाए तो फिर काम क्या करोगे। आपने नेम सरनेम कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल आईडी कवर नोट सेम वही चीज़ कवर नोट आपको पहले बोला, उसके बाद चूज फाइल करके एक्सेप्ट करके उसके बाद सबमिट कर देना, यहाँ पर चूज फाइल करोगे तो एक्सेप्ट का आ जाएगा, सबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो उसमें आपने सेंड करना है। इससे सिंपल सही है, ये क्लिनिक जॉब के लिए मैंने बताया। अब अगर आप मैं शेफ का इधर जो शेफ का इनका कंपनी उनसे उसमें करूं तो शेफ का भी काफ़ी चीज़ है, जैसे कोमनी शेफ, डेमी शेफ डी पार्टी, शेफ डी पार्टी स्किल रिक्वायर गिवन अटेंशन टू डिटेल, मतलब सारी चीज़ें आप पढ़ लेना ठीक, काफ़ी चीज़ें इसमें चाहिए। तो उसमें करियर वाले जहाँ पर मेल भी आप कर सकते हो, जहाँ इधर जाके सारा लिख सकते हो ठीक है, कवर नोट वगैरह सारा कुछ लिख करके सीवी करके सबमिट कर देना, तो इतना सिंपल सा है ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, जो भी मैं चीज़ समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, आपको हर एक चीज़ समझ आ रही है, अगर हर एक चीज़ समझ आ रही है तो लाइक यू करें ठीक है। एंड सर्विस में से लेना चाहते हो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें ठीक है, वीडियो को पूरी देखा करें ठीक है, वीडियो पूरी काफ़ी लोग नहीं देखते हैं, फिर कमेंट करते हैं, आधी चीज़ समझ आती है आधी चीज़ नहीं उनको समझ आती, तो ऐसा ही है ठीक है। सबसे हम लास्ट में जाते हैं क्योंकि ऊपर ले आप देख लेना, सबसे ना जिसमें ज़्यादा वो है, सॉरी हाँ स्टार इंटीरियर में देख लेते हैं, स्टार इंटीरियर लिमिटेड इसकी भी साइट खोल लेना, इसका कॉन्टैक्टर्स में कॉन्टैक्टर्स है, ब्लॉग गैलरी सर्विस सारा देख लेना, इनका मैप दिया हुआ है इसमें, ये भी देख लेना। ऐसे करियर का या एचआर का कोई यहाँ पर नहीं आया, बट कॉन्टैक्टर्स आया, इसमें कॉन्टैक्टर्स में देख लेना, ये क्या हो गया किसी और कंपनी को देखते, इसमें करियर का ऑप्शन नहीं हमें मिला। एल ब्रो कंस्ट्रक्शन लिमिटेड देख लेते हैं, एल ब्रोस कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, तो यही कंपनी मैं लास्ट आपको दिखाऊंगा, क्योंकि तीन कंपनी इन्फो होती है, बाकी आप खुद ढूंढ सकते हो ठीक है।
ये सारी चीज़ इसमें देख लेना, लैंडमार्क प्रोजेक्ट, ठीक है। इसको भी, इसकी साइट अच्छे से देख लेना। उसके बाद यहाँ पर होम, अबाउट, सर्विस, प्रोजेक्ट, न्यूज़, कॉन्टैक्टर्स, ये सारा दिया हुआ है इसमें। कॉन्टैक्टर्स में जाते हैं, यहाँ पर कॉन्टैक्टर्स में जाके यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, अपना मैसेज लिखने का हमें जॉब चाहिए, नैट डेफिनेटली आपको इन्फो आ गई, या इनके फ़ोन नंबर में या मेल आईडी में आपने सेंड करना, देन डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएगा। यही ये जो मैं काम कर रहा हूँ सेम है, यही काम से आप सभी लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। जो भी मैं आज तक काम कर रहा, किसी भी कंट्री में जॉब दिला रहा हूँ, यही मेथड मैं फॉलो करता हूँ। मैं कोई अलग मेथड नहीं फॉलो करता हूँ, ठीक है। मैं सेम मेथड और फॉलो करता हूँ, सेम मेथड से आपको समझाता हूँ। आई होप ये वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी। एंड तीन कंपनी में दिखाया, बट काफ़ी कंपनी है, 140 कंपनी। यहाँ पर जाओगे आप, दूसरे पेज में जाओगे, उसमें भी काफ़ी कंपनियाँ हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो, कैपिटेक लिमिटेड हो, काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनी है, इसमें जाके आप देख लेना। मतलब इससे नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो काफ़ी कंपनी आ जाएगी। ये आएगी, इसको आप देख लेना, तो काफ़ी कंपनी आएगी। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एंड और भी कोई क्वेश्चन होगा तो मेरे को जरूर बताएं, ताकि हर एक चीज़ आपको अच्छे से मैं समझा पाऊँ, ठीक है। वीडियो में इतना, कोई भी एजेंट इतने खुल के आपको चीज़ें नहीं बताएगा जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसलिए मेरे चैनल को लोगों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि जो चीज़ आपको समझ आ रही है दूसरे लोगों को भी समझ आ सके। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड मेरे को अभी क्वेश्चन नहीं कोई आ रहा है दिमाग में आपको कोई क्वेश्चन। चार्जेस के बारे में बता दिया, कॉन्टैक्ट कैसे करना ये भी मैंने बता दिया। एंड अभी जो मोस्टली जो सेक्टर चल रहे हैं जॉब के, वो ज़्यादातर होटल लाइन के चल रहे हैं, या कंट्रोल लाइन के चल रहे हैं, या वेयर हाउस के, या जो हेल्थ केयर वर्कर होते हैं उनके लिए चल रहे हैं, या डॉक्टर या डेंटिस्ट उनके लिए जा रहे काम चल रहे हैं, ठीक है। तो इसी कैटेगरी में आप आते हैं तो देन आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, रब रखा।